तमाम प्रेस के भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे बीच आए। आज का प्रेस वार्ता का मेन मकसद जो पुंछ में इलीगल माइनिंग चल रही है और उसके ऊपर जो नवा पुंछ की तरफ से और काफ़ी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो एक मुहिम चलाई गई थी कि पुंछ में जो इलीगल माइनिंग है उसे बंद करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसका जो इफेक्ट है वो ह्यूमन लाइफ पर भी हो रहा है और एक्वेटिक लाइफ पर भी हो रहा है। इसी के मद्देनज़र आज जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर पुंछ ने शिंद्रा में दो JCBs जो सीज की हैं अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ सुपरविजन ऑफ SSP पुंछ और अंडर द डायरेक्शन ऑफ DC पुंछ, उसके लिए हम तय शुक्रगुजार हैं। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम DC पुंछ को, SSP पुंछ को, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर पुंछ को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर एक चेक करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं जो ये जो दो JCBs जो आज सीज हुई हैं इसकी वजह से तमाम लोग जो इस बिज़नेस में हैं, जो इलीगल माइनिंग में जुड़े हुए हैं या जो माइनिंग माफियाज़ हैं उन पे भी एक शिकंजा कसा जाएगा और उन्हें भी इस चीज़ की समझ आएगी कि जो हमारे पुंछ के वर्दी DC पुंछ हैं श्री इंद्रजीत जी और जो SSP पुंछ हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर पुंछ हैं, वो सख्त हो चुके हैं, वो इनके खिलाफ एक कड़ा अभियान स्टार्ट कर चुके हैं। और इसी के हवाले से मैं DC पुंछ से भी ये गुजारिश करूंगा कि जो इलीगल क्रशर्स, क्योंकि पुंछ में सबसे ज़्यादा जो माइनिंग है वो इलीगल क्रशर्स कर रहे हैं, जो भी क्रशर हैं जो भी पुंछ में विद इन विसिनिटी जो क्रशर्स ऑपरेट किए जा रहे हैं उनकी एक जाँच होनी चाहिए कि कितने क्रशर्स के पास NOC है ऑपरेट करने के लिए और कितने क्रशर जितने उनकी तय सीमा है कोई भी मिनरल एक्सट्रैक्ट करने की, उस मिनरल को क्या वो उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी संख्या में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या उसी क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं DC पुंछ से ये गुजारिश करूंगा कि इन सब का एक तो NOCs इनकी चेक होनी चाहिए सभी क्रशर ऑनर्स की और साथ ही साथ एक ऑडिट होना चाहिए कि जिस दौरान पुंछ में या पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में माइनिंग बैन था उस दौरान इन क्रशर ऑनर्स ने कितना मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया और कितना मटेरियल सेल किया।